वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या हमें जॉन सीना का प्लान्स देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट रॉ के रिटर्न के बाद, और रसलमेनिया में क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ब्रे वाइट का क्या कुछ प्लान्स होने वाले हैं इसको भी लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। एंड विंस मैकमैन क्या हमें इस साल के हॉल ऑफ फेम में नहीं देखने को मिलेंगे, और डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो की राइवलरी हमें कब तक शुरू होते हुए दिखाई देगी, एंड और भी अच्छी खासी अपडेट है इस वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि है विंस मैकमैन को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि विंस मैकमैन, इनको लेकर रिपोर्ट हमें यहां पर रसल वोट्स की तरफ से ये देखने को मिली है कि इस साल के WWE के हॉल ऑफ फेम क्लास में हमें विंस मैकमैन नहीं देखने को मिले थे, मतलब मिलेंगे। मतलब बहुत सारी अपडेट्स हमें यहाँ पर पहले से ही देखने को मिल रही थी पिछले साल से ही कि हमें विंस मैकमैन हो सकता है कि अब हॉल ऑफ फेमर बनते हुए दिखाई दे जाएं, हॉल ऑफ फेमर बनते हुए दिखाई देंगे, और हमें हो सकता है कि हॉलीवुड में जो हमें रसलमेनिया देखने को मिले उसके पहले ही हमें यहाँ पर विंस मैकमैन एक हॉल ऑफ फेमर बन जाए। लेकिन यहाँ पर अब ये पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स यही देखने को मिल रही है कि अब चांसेस बहुत ही कम है कि हमें विंस मैकमैन जो कि हॉल ऑफ फेमर बनते हुए दिखाई देंगे। लेट्स सी भाई, वैसे मतलब इस साल तो शायद ही अब बनते हुए दिखाई देंगे। वेल, देखते हैं भाई इन फ्यूचर हमें क्या देखने को मिलता है। मतलब हो सकता है कि अगले साल ही शायद हमें ऐसा कुछ देखने को मिले। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है केविन ओवेंस को लेकर। तो केविन ओवेंस और जो कि हमें सैमी जेन का आज सेगमेंट देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ के अंदर। वेल, केविन ओवेंस हमें रिफ्यूज करते हुए दिखाई देते हैं जो कि सैमी जेन से, मतलब यहाँ पर टीम अप करने के लिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी तो टीम अप नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इन दोनों सुपरस्टार्स का हमें टीम अप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑलरेडी हमें ये देखने को मिलेगा जो कि हमें इनका मैच देखने को मिलेगा दी उसोस के साथ में रसलमेनिया 39 में। वेल, ओवरऑल देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा WWE से स्टोरी लाइन को कैसे क्या कुछ प्लान करते हुए दिखाई देती है। तो करेंटली तो अभी हमें इन दोनों सुपरस्टार्स का टीम अप वाला स्टोरी लाइन देखने को मिल रहा है। वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते हैं तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। तो डोमिनिक मिस्टीरियो हमें स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेंगे इस हफ्ते, यानी कि हमें स्मैकडाउन के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो देखने को मिलने वाले हैं, और डोमिनिक मिस्टीरियो की हमें राइवलरी सेटअप होते हुए दिखाई देने वाली है अब जो कि रे मिस्टीरियो के साथ में। और डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो हमें रसलमेनिया 39 के अंदर देखने को मिलेगा। वेल, ये ओवरऑल कन्फर्म है और ये मैच हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब WWE इसको लेकर इस हफ्ते के स्मैकडाउन से बिल्डअप शुरू करना, मतलब स्टार्ट कर देगी, क्योंकि रसलमेनिया को अब कुछ ज़्यादा दिन रह नहीं गए, तो ऐसे में यहाँ पर WWE बिल्डअप यहाँ पर करना चाहती है इस राइवलरी को लेकर। तो अब हमें बिल्डअप देखने को मिलेगा स्मैकडाउन से। तो लेट्स सी WWE इसको लेकर क्या कुछ करते हुए दिखाई देती है। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है ब्रे वाइट को लेकर। तो ब्रे वाइट के क्या कुछ प्लान्स होने वाले हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे रसलमेनिया 39 के अंदर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो ब्रे वाइट है, ब्रे वाइट हमें जो उनका नेक्स्ट फायरफ्लाई फनहाउस देखने को मिलेगा जो कि अगले स्मैकडाउन के अंदर, यानी कि इसी हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर, तो उस समय फायरफ्लाई फनहाउस के अंदर ब्रे वाइट डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपने अपोनेंट को लेकर एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे कि उनका हमें अपोनेंट में भी पॉसिबली कौन देखने को मिल सकता है उसको लेकर टीज करते हुए दिखाई देंगे, स्पॉइल करते हुए दिखाई देंगे। वेल, देखते वैसे कौन अपोनेंट देखने को मिलता है, क्योंकि अभी उनके बातों के हिसाब से बॉबी लैशली उनके अपोनेंट होने चाहिए क्योंकि वो उन्होंने मैच जीता है। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर अपोनेंट होते तो भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ब्रे वाइट देखते वैसे किसको चूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्रे वाइट यहाँ पर सभी को चैलेंज ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेल, ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर देखने को मिलता है या फिर ब्रे वाइट वर्सेस बॉबी लैशली, ये देखना ओवरऑल इंटरेस्टिंग रहेगा रसलमेनिया के अंदर। या फिर क्या पता WWE इसको ट्रिपल थ्रेट करते हुए दिखाई दे जाए। वेल, इसके चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स कमेंट में बता देना। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जॉन सीना को लेकर। तो जॉन सीना के क्या कुछ प्लान्स हमें देखने को मिलेंगे रसलमेनिया के लिए, और जो हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा 6 मार्च का, उसके अंदर हमें क्यू रिटर्न देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसी भी देखने को मिल रही है कि मे बी हमें जो राइवलरी है ऑस्टिन थियरी के साथ में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है, और मे बी इसमें एज का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, और मे बी शायद ये मैच हमें एक ट्रिपल थ्रेट टाइप का भी मैच बनते हुए दिखाई दे सकता है जिसके आसार काफ़ी कम है। लेकिन WWE यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे सकती है।
वेल जॉन सीना ये तो कंफर्म है कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ में लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब वो एज देखने को मिले या फिर ना देखने को मिले ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म है कि हमें जॉन सीना वर्सेस जो कि ऑस्टिन थ्योरी ये कंफर्म है रसलमेनिया 39 के अंदर, और वो फ्यूड हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई देने वाली है। और जहाँ पे हमें आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर ऑस्टिन थ्योरी से पूछा भी जाता है जॉन सीना को लेकर, वो कहते हैं हु केयर्स, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वेल यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि भाई इन्हीं दोनों के बीच में रावलरी शुरू होते हुए दिखाई देगी। अब लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर मतलब रसलमेनिया में क्या प्लान करते हुए दिखाई देती है, सिंगल्स मैच या फिर ट्रिपल थ्रेट, लेट्स सी, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और क्या यूएस चैंपियन बनते हैं जॉन सीना। वेल बात कर लेते हैं अब ओमास के बारे में, तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास हमें रसलमेनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें एक काफ़ी अजीबोगरीब चैलेंज देखने को मिलता है, और ये चैलेंज था ओमास का, और ओमास चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को। यस आपने सही सुना, ओमास चैलेंज करते हुए दिखाई देते ब्रॉक लेसनर को फॉर द रसलमेनिया 39, एंड ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को आप कोई भी मतलब चैलेंज करना चाह रहा है, तो लेट्स सी भाई क्या सही में हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास देखने को मिलेगा रसल में ये 39 में। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स ओपिनियंस कमेंट्स में बता देना यार, मतलब क्या लगता है अब ये होगा कि नहीं होगा। वेल ओवरऑल इन सारे अपडेट्स के ऊपर आपके थॉट्स आपके ओपिनियंस क्या है कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर जरूर फॉलो भी कर लो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।